ಮೋದಿ ಅವರು ಒಂದು ಮಾತನ್ನ ಹೇಳಿದರು, ಅಬ್ ಕಿ ಬಾರ್ 400 ಪಾರ್, ಈ ಬಾರಿ 400ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸೀಟನ್ನು ಗೆಲ್ಲಬೇಕು ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆ बीजेपी नेता अनंत हेगड़े के लोकसभा चुनाव में 400 पार सीटें वाले बयान के बाद अब राजनीति गर्मा गई है. बीजेपी नेता के इस बयान पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी और कर्नाटक सरकार में मंत्री प्रियांक खड़गे ने हमला बोल दिया है. उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा का लक्ष्य देश में संविधान को खत्म करना है. राहुल गांधी ने एक्स पर लिखते हुए बीजेपी की विचारधारा पर हमला बोला है. कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अनंत हेगड़े पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा सांसद का बयान है, उन्हें 400 सीट संविधान बदलने के लिए चाहिए. नरेंद्र मोदी और उनके संघ परिवार के छिपे हुए मंसूबे का सार्वजनिक ऐलान है. भाजपा का अंतिम लक्ष्य बाबा साहेब के संविधान को खत्म करना, उन्हें न्याय, बराबरी, नागरिक अधिकार और लोकतंत्र से नफरत है. समाज को बांटना, अभिव्यक्ति की आजादी पर पहरा और स्वतंत्र संस्थाओं को पंगु बनाकर विपक्ष को मिटाने की साजिश से वो भारत के महान लोकतंत्र को संकीर्ण तानाशाही में बदलना चाहते हैं. हम आजादी के नायकों के सपनों के साथ ये षड्यंत्र सफल नहीं होने देंगे और अंतिम सांस तक संविधान से मिले लोकतांत्रिक अधिकारों की लड़ाई लड़ते रहेंगे. संविधान का हर सिपाही, विशेष रूप से दलित, आदिवासी, पिछड़े और अल्पसंख्यक जागें, अपनी आवाज उठाएं, हमारा गठबंधन आपके साथ है. वहीं अनंत हेगड़े पर कर्नाटक सरकार में मंत्री प्रियांक खड़गे ने भी कहा कि सांसद अनंत कुमार संसद में कर्नाटक या अन्य मुद्दों पर तो चुप रहते हैं, लेकिन संसद के बाहर समाज को बांटने के लिए जहर उगलते हैं. पीएम नरेंद्र मोदी और कर्नाटक बीजेपी नेताओं को सांसद के संविधान बदलने के बयान पर अपनी सफाई देनी चाहिए. आरएसएस, भाजपा और उनके समर्थकों को सामाजिक समता और समानता से एलर्जी है. तो वहीं बीजेपी कांग्रेस नेताओं के लगातार हमले के बाद अब इस मामले में कर्नाटक बीजेपी ने अपने पक्ष रखते हुए कहा कि संविधान पर सांसद अनंत हेगड़े की टिप्पणी उनके निजी विचार हैं और पार्टी इस विचार से सहमत नहीं है. भाजपा देश के संविधान को बनाए रखने के लिए हमारी प्रतिबद्धता है. अपनी इस टिप्पणी पर अनंत हेगड़े की सफाई मांगे. दरअसल बीजेपी ने अनंत हेगड़े के बीते दिनों एक जनसभा में पूछे गए 400 पार सीटों से संबंधित एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि हमारे पास लोकसभा में 2/3 बहुमत है, पर राज्यसभा में हमारे बहुमत नहीं है और आगामी लोकसभा चुनाव में एनडीए को 400 पार सीटें मिलने पर राज्यसभा बहुमत हासिल करने में मदद मिलेगी. वहीं अनंत हेगड़े के बयान के बाद से बीजेपी अब डैमेज कंट्रोल में लग चुकी है. कांग्रेस का कहना है कि संविधान का कौन सा भाग, कौन सा पहलू, कौन सा सेक्शन अनुचित है. संविधान में स्वतंत्रता के अधिकार पर आपत्ति. क्या आप समानता नहीं चाहते हैं? क्या शोषण के विरुद्ध अधिकार नहीं होना चाहिए? क्या धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार नहीं होना चाहिए? क्या आप बोलने और अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं चाहते? इसमें सवाल उठाया गया कि क्या शिक्षा का अधिकार अपराध है. कांग्रेस ने कहा कि संविधान के तहत चलने वाले इस देश में भाजपा को रहने और राजनीति करने का कोई अधिकार नहीं है. उन्होंने कहा, हमेशा दलितों और संविधान के खिलाफ भड़काने वाली बीजेपी को इस राज्य और देश की जनता निश्चित तौर पर खारिज कर देगी.